कराची में उतरने वाली फलाई दबई की परवाज में सवार इसराइली बाशिंदे फौजी निकले। 3 दिन कबल फलाई दबई एयर लाइन की जिस परवाज ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, उसमें 2 इसराइली शहरी भी शामिल थे जो छुट्टियां गुजारने श्रीलंका जा रहे थे। जमरात की सुबह एक इसराइली वेबसाइट ने रोटीम यहूद और इटाई राष्ट्रीन से बात की जो इस परवाज पर मौजूद थे। ये दोनों इसराइली फौज की रिजर्व ड्यूटी से फारिग किए गए हैं। दोनों इसराइली बाशिंदों का कहना है कि जब तैयारे ने एक मुसाफिर की हालत बिगड़ने पर कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की, तब चंद मुसाफिरों और बिलखसूस फैमिलीज को कुछ खौफ महसूस हुआ। तैयारे को लैंडिंग के लिए इजाजत लेने में कुछ वक्त लगा। इस दौरान तैयारा 1.5 घंटे तक कराची की फजाओं में चक्कर काटता रहा। ये तैयारा कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम वो बेश 2 घंटे रहा। इस दौरान उसमें ईंधन में भरा गया, जिसके बाद ये कोलंबो रवाना हुआ। रोटीम यहूद और इटाई राष्ट्रीन का कहना था कि हम चौंकि तैयारे में सवार थे, उसलिए खौफजा होने की बजाहिर कोई जरूरत नहीं थी। एयरपोर्ट के अमले का रवैया भी मानदाना नहीं था। लैंडिंग के बाद तैयारे में सबसे पहले मेडिकल टीम आई। मालूम नहीं कि पाकिस्तानियों को ये मालूम भी था कि नहीं कि हम इसराइली हैं। हम अपनी नशस्तों पर खामोश बैठे रहे और कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं किया। इसराइली बाशिंदों ने बताया कि हम आपस में बातें करते रहे और फिर दीगर इसराइलियों से बातें करने खड़े हो गए। जिन फैमिलीज के साथ छोटे बच्चे थे, वो थोड़ी सी खौफजदा दिखाई, उन्हें मालूम ही न था कि हो क्या रहा था। 5 और 6 अरकान वाली फैमिलीज भी थीं। हमारी तरह के नौजवान 6 थे। खौफजदा फैमिलीज पूछती रहे कि ये सब क्या हो रहा है। हम में से किसी को भी बिल्कुल दरस्त अंदाजा न था कि क्या हुआ है और हम कब श्रीलंका रवाना होंगे। पायलट को भी मालूम नहीं था कि कराची एयरपोर्ट पर कितना वक्त ठहरना होगा। पाकिस्तान की सूल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि उसे कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले फलाई दबई के तैयारे में इसराइली बाशिंदों की मौजूदगी का इल्म न था। श्रीलंका जाने वाली परवाज FZ-568 को कराची में इस वक्त उतारा गया था जब एक खातून मुसाफिर की तबीयत बिगड़ गई। सोल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान सैफ अल्लाह खान ने बताया कि पाकिस्तानी हुक्काम को तैयारे में इसराइलियों की मौजूदगी का इल्म न था। जिस खातून की हालत बिगड़ी थी, वो इंतकाल कर गई थी। उनका जसद खाकी खदमत खल्फ फाउंडेशन मलीर भजवाया गया था, जिसके बाद ये परवाज रात के 3 बजे रवाना हो गई थी। खातून का जसद खाकी बाद में श्रीलंका भजवाया गया। मरने वाले खातून का ताल्लुक श्रीलंका से था।